नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम वर्ग 2 के गणित के पाठ समय की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने एक कविता का पाठ किया था, आपने भी मेरे साथ साथ किया था। आज फिर से उसी कविता की पाठ करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। सोमवार को चढ़े ट्रेन में दादा दादी हम, सोमवार को चढ़े ट्रेन में दादा दादी हम, मंगलवार को जा पहुंचे थे सबके सब दम दम, बुधवार को पहुंचे दिल्ली नानी के घर हम, गुरुवार को घूमने निकले पैसे पड़ गए कम, शुक्रवार को पैसे लेकर फिर से निकले हम, शुक्रवार को पैसे लेकर फिर से निकले हम, पैसे कम पड़ गए थे ना इसलिए शुक्रवार को फिर से पैसे लिए, शनिवार को सबने खाया बर्फी और चमचम, शुक्रवार को तो हमने फिर से पैसा लिया था ना इसलिए अब तो पैसा था इसलिए बर्फी खाया और क्या खाया चमचम, रविवार को चढ़े ट्रेन में घर को लौटे हम, तो सोमवार को चले और रविवार को वापस आ गए। अभी आपने कविता सुना, कविता गाया भी, अब इसी कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खाली स्थान है पहला, खाली स्थान वार को पहुंचे दिल्ली, अर्थात दिल्ली कब पहुंचे, बताइए कब पहुंचे दिल्ली, सोचिए सोचिए, बुधवार को पहुंचे दिल्ली। चलिए अब खाली स्थान वार को पहुंचे दमदम, दमदम कब पहुंचे सोचिए, किताब देखिए, मंगलवार, मंगलवार को पहुंचे दमदम, खाली स्थान वार को घूमने निकले, कब घूमने निकले बताइए, कब घूमने निकले सोचिए, गुरुवार, गुरुवार को घूमने निकले, फिर है खाली स्थान वार को पैसे लेकर, हाँ पैसे लेकर कब निकले थे, एक बार तो देखे ना पैसा घट गया था तो फिर पैसे लेकर कब निकले, शुक्रवार। चलिए तो हो गया खाली स्थान, अब अगला प्रश्न है सप्ताह के सभी दिनों के नाम लिखिए, खुद से आप लिखिए, अभी कविता में हमने पढ़ा था और किताब भी देखिए, चलिए मैं भी दोहराता हूं आपके साथ साथ, आप बोलिए मैं दोहराता हूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब अगला क्वेश्चन है, अभी आपने दिनों के नाम गिने तो सप्ताह के कुल कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, गिना आपने 7 दिन। अब अगला प्रश्न है आपको कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है और ऐसा क्यों, आप खुद से बताइए। अब मुझे अगर पूछिएगा तो सबसे अच्छा दिन तो मुझे रविवार होता है मेरे लिए, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है और खूब घूम घाम होता है, घूमने का मजा लेते हैं। अब लेकिन आपका क्या पसंद है, कौन सा दिन आपको पसंद है वो तो आप खुद से लिखिए। अब अगला प्रश्न है विद्यालय में मनपसंद खाना किस दिन मिलता है, ये आप लिखिए अपने से, किस दिन आपका आपको जो खाना मिलता है, किस दिन आपके विद्यालय में जो मिलता है, तो किसी को सोमवार को अच्छा लगता होगा, किसी को मंगलवार को, किसी को बुधवार को, तो आपकी जो पसंद है वो आप खुद से लिखिए। अब अगला प्रश्न है विद्यालय में किस दिन छुट्टी रहती है, आपके विद्यालय में किस दिन छुट्टी रहती है ये तो आप खुद बताएंगे, मेरे विद्यालय में तो रविवार को छुट्टी रहती है। आपके गांव में बाजार किस दिन लगता है, ये अगला प्रश्न है,
मेरे गांव में तो शनिवार को लगता है। अब आपके गांव में कब लगता है ये तो आप खुद बताएंगे। आप खुद से लिखिए इसका। अब अगला प्रश्न, विद्यालय में किस दिन नाखून की सफाई की जांच होती है? आपकी विद्यालय में कब होती है भाई, आप खुद लिखिए। मेरे विद्यालय में तो सोमवार को होती है। आपके मित्र का मनपसंद दिन कौन सा है? ये तो आपको पूछना पड़ेगा अपने मित्र से। मैंने तो पूछा था, मेरा मित्र था वो, जब पढ़ते थे उस समय, उसने बताया था कि भाई मुझे तो रविवार ही पसंद है। मुझे भी रविवार पसंद है, मेरे मित्र को भी था। अब आपके मित्र को कौन सा दिन पसंद है ये तो आप खुद से पूछिए। अगर सोमवार, अगला प्रश्न है, अगर सोमवार सप्ताह का पहला दिन है तो सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होगा? चलिए इसका जवाब तो एक ही होगा, सोचिए। सोमवार को जब शुरू किए थे हम लोग तो लौटे थे कब? रविवार। तो इसका प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा रविवार। अब एक और प्रश्न है, नीलम मंगलवार से गुरुवार तक, मंगलवार से गुरुवार तक विद्यालय नहीं आई, वह कितने दिन विद्यालय नहीं आई? जब आप विद्यालय नहीं आते हैं तो फिर आवेदन देते हैं ना कि मुझे इतने दिनों की छुट्टी चाहिए। तो अब मंगलवार से गुरुवार तक नीलम नहीं आई तो उसे कितने दिनों की छुट्टी चाहिए होगी? आइए उंगली में गिन लेते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। फिर से इधर से गिनते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो कितने दिन विद्यालय नहीं आई, कितने दिन बताइए? 3 दिन। अब एक और इसी तरह का प्रश्न है, पूजा सोमवार से शुक्रवार तक अपने मामा के घर रही, वह कितने दिन अपने मामा के घर रही? कब से कब थी? सोमवार से शुक्रवार। चलिए फिर उसी तरह से हम लोग गिनते हैं। अच्छा इसे गिनते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो पूजा अपनी मामा के घर कितने दिन रही? 4 दिन। आप भी तो जाते होंगे मामा के घर ना। चलिए तो अभी तो पूजा की बात हो रही है तो वो 4 दिन गई, आप पता नहीं कितने दिन जाते हैं। चलिए अब एक पहेली, बूझो मैं हूं कौन सा दिन, चलिए आपको बूझना है, देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। मैं हूं छुट्टी का दिन, बताइए। मैं हूं छुट्टी का दिन कौन सा दिन होगा ये आप बताइए। भाई मेरे लिए तो ये उत्तर होगा रविवार, क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी होती है रविवार को। अब दूसरी पहेली, मैं गुरुवार के ठीक बाद हूं आता, मैं गुरुवार के ठीक बाद हूं आता, तो गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। चलिए इसका जवाब तो मैंने दे दिया। अब तीसरा पहेली, मैं शुक्रवार और रविवार के बीच हूं आता, शुक्रवार और रविवार के बीच कौन सा दिन आता है? देखते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वो तो बीच में कौन सा दिन आ गया? शनिवार। तो इस पहेली का जवाब हमारा क्या हो गया? शनिवार। अब हमने दिनों, सप्ताह के दिनों के नाम तो जान लिए, अब वर्ष के जो महीने होते हैं उनके नाम भी हम लोग दोहराते हैं। चलिए पहला महीना क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
महीनों के नाम एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसे अंग्रेजी में भी फिर से पढ़ते हैं महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आज की कक्षा में हमने समय के बारे में जाना और इसके अंतर्गत हमने क्या दोहराया, सप्ताह के दिनों के नाम और महीने, वर्ष में कितने महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं, ये हमने जाना। आशा है कि ये आपको याद हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।